अच्छा चुप करके बात सुनो, चुप करके बात सुनो, यहूदी था वो और उसने 99 कत्ल किए हुए थे, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे। उसके दिल में ख्याल आया कि यार मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है तो मेरा जो खालिक है अल्लाह ताला वो मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, तो वो पहले चला गया किसी इंजीनियर जैसे के पास, खुद साख्ता बड़े बंदे के पास, ठीक है, ऐसे किसी के पास गया, उसको जाके उसने कहा कि मैं जनाब मैंने 99 कत्ल किए हैं तो अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, तो उसने कहा भाई तेरी कोई माफी नहीं, था जो वो खुद पढ़ा लिखा, ठीक है, ठीक है, तो उसने उसने इस्लाम तो पढ़ा नहीं था, पढ़ा नहीं था, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, हो रही है, इसका माइक ओपन है जी, ओ एक मिनट जी, एक मिनट, अच्छा उसने इस्लाम तो पढ़ा नहीं था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने उन्हें भी कत्ल कर दिया, जब 99 कत्ल कर दिए थे तो उसने कहा जी तूने नहीं बख्शा जाना, उसने 100 बंदा भी कत्ल कर दिए, ठीक है, इंजीनियर ने भी खड़का दिया उन्हें। अगली बात ये सब सुना ये सब सुन और सुन ले गल, सुन ले गल कहानियां। अगली बात ये है कि जनाब अच्छा बात सुने इंजीनियर ये वो हदीस का हवाला दे दें इनको, आप हदीसों को नहीं मानते मुल्हिद? मैं मानता हूँ हदीसों को, तो अगर अच्छी आप रही तो आप अभी कह रहे हैं कि ये कहानी है। हाँ ये मैं देखो मैं सिर्फ अच्छी हदीस को मानता हूँ, अगर अच्छी नहीं तो नहीं मानता उसको। अच्छी हदीस को मानते हैं तो बुरी हदीस को नहीं मानते, तो अच्छी कौन सी है तो बुरी कौन सी है? जो अच्छी जो आप प्रॉफिट बताए बातें बताए अच्छी अच्छी बातें बताई हैं इसको मानता हूँ। अच्छा तो ये जो है ना ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1919 बल्कि 1919 क्या इस हदीस को मानते हो कि नहीं? नहीं ये कहानियों को नहीं मानता, ऐसी कहानियां जिसमें कोई वो नहीं। अच्छा ये कहानी हो गई है। हाँ, ये कहानी है कहानी अल्लाह ये कहानी अल्लाह सुना क्या ये कहानी अल्लाह सुनाया है। तू पुत्र जाके गीता पढ़ आई वो गुड हिंदू बन गीता पढ़ जाके तू स्वर्ग च जा मेरा पुत्र, ठीक है, आ तू लिखया ना गुड हिंदू गो टू हेवन, तू जाके गीता पढ़। बहरहाल एक मिनट, मुझे भी पता है कि तू मुस्लिम नहीं है, तू ड्रामेबाजी कर रहा है, तो मैंने सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि तू मुस्लिम नहीं है ड्रामेबाजी कर रहा है, तो मैंने इस वजह से ये इस हदीस के बारे में तू इससे पूछा था। ये मेरे भी इलम में है कि तू मानने वाला नहीं है और तूने मानना मुन्ना है कोई नहीं, ठीक है, तो बहरहाल बात कर रहे हैं आप जरा। ये ना इनकी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी इनकी बनी हुई है जानबूझ के, एक लगता है मुझे ये, यार एक मिनट उस्मान ये एक और आए हैं, ये लगता है ये भी मुल्हिद हैं जी। डबल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मुफ्ती साहब? शुक्र है अल्लाह का। किस टॉपिक पे बात चल रही है अभी? क्या कौन सा दी क्या नाम है आपका जी? मेरे नाम को छोड़िए, किस टॉपिक पे बात चल रही है अभी? और नाम तो बताएंगे तो फिर ये ना टॉपिक पूछ रहा हूँ मैं आपसे, टॉपिक जो कृष्ण है उसने कृष्ण जो है ना वो गोपियों के जो है ना वो बरा कपड़े सारे चोरी करके भाग जाता था, ये टॉपिक चल रहा। हाँ और वो उसकी कृष्ण की जो है ना शिवलिंग उसकी पूजा भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं और मजहबी कादियानी कादियान वाले भी और जेल वाले भी करते हैं। ये भी मुल्हिद है, ये किसकी प्रस्तुति करते हैं? ये भी मुल्हिद है लगता है। उस्मान बात अच्छा आप ना जजमेंटल बहुत हो जाते हैं कि अगले बंदे को जज करना शुरू कर देते हैं कि ये भी ये लगता है। मैंने तो बात ही कोई की अभी नाम की बात कर, नाम की बात करने को तैयार नहीं है, नाम तक आपको बताने को तैयार नहीं है, तो हमने नहीं होना, तो गुमनाम श्री गुमनाम जी चले जी बताए जी। कृष्ण जो है ना वो गोपियों के कपड़े उठा के भाग जाया करते थे, आप क्या कहते हैं? कपड़े है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है आपकी बात, ये इल्मी गुफ्तगू हो रही है, हो क्या रहा है? कुरान के ऊपर बात हो रही है, हदीस के ऊपर हो रही है, इस्लाम के ऊपर बात हो रही है, कोई मौलवी डिस्कस हो रहा है तो बताए। आप सुने ना एक मिनट, उस्मान भाई रुकिए,
डबल गेम ना करो, डबल साहब डबल गेम ना करो, आप इस तरह करो, आप जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है ना आप उस पर बात करें, फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। आप आए हैं ना, कुछ बोलने आए हैं ना, बोलें। हाँ जी, मैं आपकी बात जो आप कर रहे थे ना उसमें शामिल होने के लिए, ताकि मैं कुछ सीख लूं आप लोगों से। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैं मुखालफत करने नहीं आया आपकी, आप बात जारी रखें अपनी। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, ताकि मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप खल्ले मफस का शिकार ना हो। एक मिनट मैं बताता हूँ टॉपिक। इंजीनियर साहब एक मिनट मैं बताता हूँ टॉपिक। मैं टॉपिक इनको बता देता हूँ। हमारा टॉपिक ये है कि मिर्जा कादियानी दज्जाल कज़्ज़ाब था, ये टॉपिक है। बिल्कुल ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। अच्छा, जिसने भी खत्म नबुव्वत का इनकार किया है वो काफिर है, उसका दिफा करने वाला काफिर है, चाहे वो चिश्ती रसूलुल्लाह कहने वाला हो, चाहे वो कादियानी रसूलुल्लाह कहने वाला हो, चाहे वो अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कहने वाला हो, चाहे वो इंजीनियर का दिफा करने वाला हो, अगर इंजीनियर ने इस तरह की कोई बात की है, अशरफ अली रसूलुल्लाह कहने वाला काफिर है, यानी के उसका दिफा करने वाला भी काफिर है, जो पढ़ाया इसने वो भी काफिर है। दिफा करने वाले की भी बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ाने वाला तो बहुत पीछे रह गया ना। अब्दुल वहाब रिश्दी का मानने वाला भी काफिर है भाई, बात सुन। एक मिनट भाई, बीच में कोई ना बोले यार, जिसने पढ़ाया है वो काफिर नहीं है, और जो कह रहा है, जो दिफा कर रहा है वो काफिर है, ये कैसी कौम निकली है यार। आपने मेरी बात सुनी है, एक मिनट अल्लाह के बंदे बात सुन लो। मैंने कहा है कि जो दिफा करने वाला है वो भी काफिर है, पढ़ाने वाला तो बहुत पीछे रह गया है। ओए अल्लाह के बंदे बात तो सुन लो, आपको उर्दू भी नहीं आती सही। मैं कह रहा हूँ दिफा करने वाला भी काफिर है, जिसने पढ़ाया है वो तो बहुत पीछे रह गया यार। मैंने तो पहले कहा था वो तो काफिर है ही। ओए मुल्हिद ठहर जाए, ये देखिए आप जजमेंटल बहुत हो जाते हैं। हालांकि मैं अल्लाह ताला भी आप उतरा रुक भी सही साहब ही तले मरदई। मैंने तो पहले कहा था ये मुल्हिद है, वो देख लें। हां जी यार, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं अल्लाह ताला के ईमान वाला बच्चा बन, तू साडी बराड़ ते जाके ते तू चुप करके जरा सुन तो सही ना। इल्जाम क्या लगा रहे हैं आप? निकलो यार, ठुड्डे मार के तुहानू तुहाडे वर्गे नु सी लित्तर मार के कढ़ने इथों। बंदे दा बच्चा बन, बंदरा जे है, गल ही नहीं सुनता पे आ गया, एवें बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर छड़ी। चलो यार गल करो एवें। ओए ये मैसेज तो मिल गया ना मुफ्ती साहब यार, एक मिनट दा यार, एक मानने वाले ए उस्मान, एक मिनट। ए काशिफ जी, उस्ताद जी, ए स्ट्रीम यार ते है वे तेरे को? उस्ताद जी एक बारी कंप्यूटर ऑफ करा ते वो खत्म हो जांदा, पता नहीं की चक्कर है। अल्लाह ही जानता है। उस्मान तेरे को है वे स्ट्रीम यार्ड दी अथॉरिटी? नहीं उस्ताद, वो तो हम घर जाके मुझे लैपटॉप से वो करना पड़ेगा ऑन वगैरह। मैं जो भी है वे आ करो, ताकि तुम्हारे को अथॉरिटी होनी चाहिए दी है। ते इंजीनियर कामरा ना तेरे को भी ठीक है सर, आइंदा तो होएगी। हां ताकि मतलब है वे कि तुसी खुद हैंडल कर सको। ठीक हो गया सर। चलो बहरहाल गल करो शुरू। एवें बंदर जे आ गए मुंह चुके। ये तो साबित हो गया कि मिर्जा इंजीनियर के मानने वाले असल में ये कादियानी मुलेज हैं, जो उसके पीछे छुप के रहते हैं। असल में ये इसके पीछे चलने वाले जितने भी हैं वो सारे मुलेज कादियानी एथियस्ट हिंदू ये सारे हो। दीन मजहब ही कोई नहीं है, तो नजर आ रहे हैं उन्होंने अपने बैठे बैठे उन्होंने तीन बंदियां जन्नत पर जाता, तीन मुख्तलिफ मुजाहिब लोग। ठीक है, ये तो इनके एक और भी ऐड कर रहे हैं, ये जो छुपे हुए बनी इसराइल वाले भी है, ये भी बहुत है, ये एक नई गेम निकली हुई है। तो अब देखो, पहले भी उसकी और इसकी मुमासलत हो रही थी, अब भी आए हैं, बात हो रही है उससे, तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस्मान कर सकता था ना जी सारे मोहतरम, ये वो ही बनी इसराइल वाले यहूदी नहीं है कुरानिस्ट जो टिकटॉक के ऊपर है जी? ये मुलहिद वो ही है सैयद नाम के आईडी वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने तो अस्सलाम वालेकुम अफनान, अफनान तेरा माइक में म्यूट किया था यार, एक मिनट। तेरा माइक जब ओपन होता है ना तो वॉइस डबल हो रही है तुम्हारी तरफ से, वो पूरी ब्रॉड की वॉइस डबल हो जाती है,
तो बहरहाल जब तुमने बोलना हो तो उसी अब नहीं वक्त होगी शायद, अब नहीं होगी अब ठीक हो गए, चलो बोलो जी। अच्छा उस्ताद जी, मैं ना ये मुल्हिद को एक ये जो है ना ये कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह कुरान के अंदर सूरह मोमिनून के अंदर सूरह मोमिनीन के अंदर फरमाता है अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फताल अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को मकसद के लिए पैदा किया है, बेमकसद पैदा नहीं किया। अच्छा वो मकसद क्या है? वो मकसद अल्लाह ताला की वहदानियत है, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात हैं, और हुजूर अलैहि सल्लतु वसलाम की सुन्नत और अहादीस मुबारक पे अमल और अल्लाह की जो है ना वो इबादत है। ये कहता है कि जो है ना वो हिंदू भी वो जाएंगे जन्नत में। अच्छा हिंदू कैसे जन्नत में जाएंगे जबकि उनके हिंदुओं का तो एक अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है, और ये क्रिश्चियन को बोल रहा है, और क्रिश्चियन का जो है ना वो तीन खुदाओं के ऊपर ईमान है। जो अल्लाह ताला को एक ही ना मानता हो वो जन्नत में कैसे जाएगा? ये मेरा सवाल था, तो ये जवाब दे अगर ये मौजूद है यहाँ पे। अरे भाई वो कुरान के अंदर लिखा हुआ है वो भी जन्नत में जाएंगे, आप पढ़ो, हमको अल्लाह इजाजत देता है क्रिश्चियन काफिरों के अंदर अल्लाह काफिरों के अंदर फरमाता है वो कत्ल हुए तो हम सारे बख्शे गए। क्या आप यही मानते हैं मुलिद साहब कि आप कुछ का कुछ और अकीदा है उनके कुछ सिवा है? कौन सा अकीदा आप बोल रहे हैं? अच्छा मुले साहब मेरा भी एक यहाँ पे सवाल है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए है, तो जो हमारे दीन पे ना हो तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? मगर कुरान में अल्लाह बोलता है वो भी जाएंगे जन्नत में। हाँ पहले ये दस एक मिनट यार, एक को बात कर लेने देना, क्या हो गया? एक अफनान बात कर रहा है, उस्ताद जी ने उसको बोला है बात करने, वो सही लेके जा रहा है, दो मिनट ठहर जाए जरा बात करो अफनान जी। काशी भाई अच्छा मुले साहब अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं लकुम दीन हुकुम वाली दिन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए है और हमारा दिन हमारे लिए है, जो हमारे दिन पे ना वो जन्नत में कैसे जाएगा वो अल्लाह? अच्छा आपको ये मालूम है कि कुरान में अल्लाह ने हमको इजाजत दी है उनकी औरतों से शादी करने के लिए? यार ये एक अलहदा मसला है, औरतों से शादी वो बाद में जाएंगे ना इस टॉपिक के ऊपर, बात यहाँ पे जन्नत में जाने की हो रही है और आप उनको लेके जा रहे हैं। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे दीन पे ही नहीं है वो जन्नत में कैसे जा सकता है? और बात रही औरतों में शादी करने की, तो अहले किताब की औरतों के लिए जो है शादी करने का ना तरीका है ना, आप उनको मुसलमान करें और फिर जो है ना वो उनसे शादी कर सकते हैं, बगैर मुसलमान किए आप उनसे शादी नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको जवाब दे दिया, आप मेरी बात का जवाब आपके पास है, उसका जवाब दें। सुन ले खाली बकरा क्यों भाई, तमीज से नहीं अब नहीं बोलने दूंगा मैं तुम्हें, तमीज से बात तमीज से करनी है, सॉरी बोलो उसको, बच्चा है छोटा सा, सॉरी बोलो उसको, सॉरी बोलो, उसके अंदर हिंदुओं का जिक्र ही नहीं है, हिंदुओं को छोड़ दें, हिंदुओं को छोड़ दें, ठीक है अब तुमने लिख दिया हिंदू भी जाएंगे जन्नत में, तू मानना कि नहीं मानना, तू मुल्हिद है। अरे भाई जो भी खुदा को मानता है, सुन ले गर्व क्यों हो रहा तू? जो भी खुदा को मानता है, जो भी खुदा को मानता है और अच्छे काम करता है तो वो जन्नत जाएगा, अल्लाह बताता है कुरान के अंदर। तो यहाँ पे खुदा को मान कौन रहा है आप बताएं ना, कौन खुदा को मान रहा है? अच्छा यार हिंदू तो खुदा को मानते नहीं है, हिंदू तो कृष्णा को मानते हैं, या जो उनके अपने जो अफलान, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड यार, ये क्या नाम है इसका, ये जो सैयद की आईडी से आया था मुल्हिद, यार आप एक मिनट के लिए कह दो ना कि आप मुल्हिद हो, ताकि इंजीनियर का माइक तो बंद हो, आप एक मिनट के लिए कह दो कि मैं मुल्हिद हूं, चलो एक मिनट के लिए ताकि अच्छा, बात करें आगे। अच्छा यार तो मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा दिखेगा जी जी उस्ताद जी, आ रही है। अच्छा जी सुने जी, ये जो आयत ये मुल्हिद ये पेश कर रहा है कुरानिस्ट, यहूदी कुरानिस्ट, तो ये आयत जरा देख ले जी इसके अंदर क्या है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन अल्लाह दीना आमनु वल्लादीना हादू वन्नसारा
وسابعین. اچھا کہتا ہے کہ بے شک ایمان والے, یہ ترجمہ اللہ عزت کا میں پڑھ رہا ہوں, بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے من آمنا باللہ والیوم الآخری, کہ جو آخرت وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں, والیوم الآخری, ٹھیک ہے جی, وعامل صالحا اور اچھے عمل کیے, فلاہم پس ان کے لیے, اجرہم اجر ہے, عند ربہم اپنے رب کی طرف سے, ولا خوف کوئی خوف نہیں ہے ان کے اوپر, علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہے. اب ذرا اس آیت پہ غور کر لیں, اللہ پاک کیا فرماتا ہے, سب سے پہلے ان الذین آمنوا, کہ جو لوگ ایمان لائے, یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, وہ کن کن لوگوں میں سے ہیں ایمان والے اور کس چیز پر ایمان لانا ہے, وہ تو پہلے نمبر پہ یہ دیکھیے, ایک تو یہ مومنین کی بات ہوگی یا مسلمانوں کی, اس کے علاوہ والذین ہادو اور جو یہودی ہیں, والنصارا اور جو نصرانی ہیں یعنی عیسائی کرسچن جن کو ہم کہتے ہیں, والسابعین مطلب ستارہ پرست مجوسی یا مطلب آگ کی پرستش کرنے والے, ٹھیک ہے جی. اچھا ان میں سے کیا کرے گا, تو وہ اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کو اجر ملے گا, وہ یہ لکھا ہوا ہے درمیان میں, من آمانا باللہ, جو اللہ کے اوپر ایمان لائے, والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لانا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ عاملہ صالحہ اور انہوں نے اچھے عمل بھی کرنے ہیں, یہ تین چیزیں ہیں, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان اور اچھا عمل. ہاں اس کے اندر ہندوؤں کا ذکر نہیں ہے, ملحدین کا ذکر نہیں ہے, اس کے اندر زرتشتیوں کا ذکر نہیں ہے, بدھسٹ کا ذکر نہیں ہے, اس کے اندر دیگر بڑے مذاہب دنیا کے اندر ان کا کوئی ذکر نہیں ہے, صرف ان چند جو مذاہب ہیں ان کا ذکر ہے, ایک تو ایمان والوں کا ذکر ہے یعنی مسلمین کا, مومنوں کا, یہودیوں کا, عیسائیوں کا, اور چوتھے نمبر کے اوپر صابئین کا. ان کے اندر بھی جو اللہ کے اوپر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے اور اچھا عمل کرے, تو اس کے لیے کیا ہے, اس کا اجر جو ہے نا اللہ پاک نے محفوظ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو ملے گا اس کا اجر. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور ان کے اوپر پھر کوئی خوف نہیں ہے اور ان کو کوئی جو ہے نا غم اور اندیشہ اور فکر نہیں ہے. اب اس کے اندر صرف اتنا ہے, اب اس نے جناب کیا کہ یہ اس یہودی نے, اس ملحد نے ڈرامے بازی, کہہ رہا جی اس کے اندر شامل ہے کہ ہندو بھی اور عیسائی بھی اور یہودی بھی ان کو جنت ملے گی, حالانکہ یہ اس میں ذکر ہی نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا اجر ان کو یہ دنیا کے اندر دیا جائے, یہ کہاں سے لیا, تو یہ آیت بتا رہی ہے دنیا میں ہے بول کر, ہاں یہ ہے والا ہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر دنیا میں, ہاں تو یہ دنیا ہی اس کے اندر شامل نہیں, کیا دنیا کو نکالو گے کیا, دنیا میں بولا گیا ہے وہ نہیں نہیں, تو اس میں آخرت بھی تو نہیں نا, اگر دنیا نہیں ہے تو آخرت بھی نہیں ہے, سنو اس کے اندر جنت دوزخ بھی نہیں ہے, جو پہلا ورڈ ہے انڈیڈ دوز ہو بیلیو, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سے دوز لوگ اس میں ہے ہی نہیں, ان الذین آمنوا ہے یہاں پہ قرآن کے اندر, یہ کون لوگ ہیں, یہ مسلمان ہیں, ہاں مسلمان ہے, پھر اس کے بعد کون ہے, اس کے بعد یہودی ہیں, یہودی ہے, اس کے بعد کون ہے, اس کے بعد نصرانی ہیں, اس کے بعد کون ہے, صابئین ہیں, صابئین ہیں, تو دوز among them who believe in Allah and last day and did righteous deed,
तो उन लोगों में से जो मुसलमान है, जो क्रिश्चियन जू है, जो क्रिश्चियन है, जो साइबियन है, उनमें से बिली अल्लाह पर ईमान रखता है और लाज दे पर ईमान रखता है और अच्छा काम करता है, तो अल्लाह बोलता है मैं उनको रिवार्ड दूंगा। और जो वो क़यामत के दिन गमनाक भी नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पे तू डंडी मार गया है। क़यामत के दिन या क़यामत के दिन कौन से लफ्ज का तर्जुमा है? हाँ भाई, उसके फिर आप गमना कब होने की बात है ये भाई, ये दुनिया भी हो सकती है, दुनिया के अंदर दुनिया सुनता ही नहीं गल अगले बंदे दी। अच्छा मुझे बता, इसके अंदर क़यामत का जिक्र किधर है? बता कौन सा लफ्ज है जिसका जिक्र, जिसका तर्जुमा क़यामत? बता। यहाँ पर देखो, अब जो गमनाक जो होंगे ना, ये गमनाक कब की बात हो रही है भाई? भाई इसमें नहीं है जिक्र, इसके अंदर जिक्र नहीं है क़यामत का, इसके अंदर जिक्र नहीं है कोई जन्नत का। बता तो सही ना, कौन से लफ्ज का तर्जुमा है? तो क्या ये दुनिया में गमनाक नहीं होंगे? हाँ, दुनिया का भी इसमें मुराद हो सकती है। अच्छा, तो गमनाक तो होते ही है ना, तुम आप मुसलमान भी गमनाक होते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो खुशी नहीं मिलती गम के साथ, खुशी में नहीं मिलती। मगर तो अल्लाह तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि उस दिन पर आपको गमनाक नहीं होगा, क़यामत के दिन। ओ भाई किधर क़यामत का जिक्र किधर है? मुझे बता मेरा पुत्र किधर है? आपको उसको आप समझ के अगर पढ़े तो आपको समझाए ना, तो हमें मुसलमानों को समझ नहीं आई तो तुम मुल्हिदों को समझ आ गई है। समझा, तू समझा हमें, चल समझा। अरे भाई ये क़यामत के दिन गमनाक नहीं होंगे। वो किधर है क़यामत? ओए तेनु मैं लिटर फड़ाई है जरा प्याई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओए चुंजला चुंजला लिटर फड़ाई है जरा नुक्कर च मैं रखे है फड़ाई जरा ए दे मैं जरा। चल तेन मैं उन्हें लम्बे पा लेने मुल्हे दा, बंदे दा बच्चा ही नहीं तू बंदा पिया। क़यामत 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 तू बिच बड़ी है। चल यार गल कर सो समान। अल्लाह क्या बोलता, अगर तुम खुदा को मानते हो और जो है सो तुम अच्छे काम करते हो तो हम तुम्हारे को अच्छे रखेंगे, यानी कि गमनाक नहीं होगा क़यामत के दिन, तुम्हारे को रोएंगे नहीं तुम। तो ये आयत उसी चीज की बात कर रही है कि क़यामत के दिन अगर तुम अच्छा काम करते हो, खुदा पर ईमान रखते हो, तो तुम क़यामत के दिन गमनाक नहीं होगे। चुप कर चुप कर चुप कर, ये जो तर्जमा तो इंग्लिश वाला तर्जमा जरा इधर पर्सनल में भेजना, प्राइवेट चैट में भेज देना, फटाफट भेज। अच्छा फटाफट भेज। ये है किस कंट्री से? मेरी आवाज आ रही? हाँ यहाँ पर भेज दिया, मैं इंडिया से हूँ भाई। मेरी आवाज आ रही काशिम भाई? जी जी आ रही आ रही। हाँ मैं करता हूँ बात, बस 2 मिनट दीजिए। करो यार ऐसे यूदी नाल गल मुल्हिद नाल। अच्छा मुझे साहब, फिर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है कि जो मैंने आपको कुरान मजीद की आयत सुनाई थी, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और हमारा दिन हमारे लिए, पहले तो फिर इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं था? सुनो भाई, पहले आपको अल्लाह हक नहीं दिया कि मुझे मुल्हिद बोलो, दिया क्या अल्लाह आपको हक दे? नहीं वो तो आप तुम्हारा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बात खत्म है। तुम जो बात कर रहे हो, एक मिनट, तुम जो बात कर रहे हो मुसलमान वो बात कर रहे हैं, पहले ये बताओ भाई। आप लोग गलत समझे, मैं गलत समझाऊ? चलो मैं गलत समझाऊ ना, ये बाकी सारे जो मुसलमान बैठे हैं ये भी सारे गलत समझे। हाँ सब आपको जो मुल्ला अच्छा, आपको चुप कर, ए 5-6 बंदे गलत समझे ने मेरे का।